हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप बहुत ज़्यादा बढ़िया होंगे। तो आज मैं फिर आ गई एक बहुत ही मज़ेदार सी बंगाली रेसिपी लेके। तो आज जो रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ ना, वो है टेंगड़ा माछेर झोल विथ आलू। आप चाहें तो ये सेम रेसिपी बिना आलू के भी बना सकते हैं। और दाल और भाजी की रेसिपी कल अपलोड करूँगी, तो आप वो ज़रूर देख लीजिएगा। तो टेंगड़ा माछेर झोल यानी कि टेंगड़ा फिश का करी बनाने के लिए मैंने ले लिया है तालाब का टेंगड़ा फिश। तो अब फिश को फ्राई करने के लिए इसमें मैं अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। तो जब हम फिश को फ्राई करते हैं तो वो फटने लगता है, वो ना फटे इसलिए मैं उसमें 2 बूंद सरसों का तेल डाल दे रही हूँ। तो अब मैं सारी चीजों को फिश के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी। तो अब मैंने कढ़ाई पे 2 टेबलस्पून सरसों का तेल डाल दिया है। मैं तेल को अच्छे से गर्म करूंगी, फिर इसमें मैं फिश को डालूंगी। तेल को अच्छे से गर्म करने के बाद मैं उसमें एक एक करके फिश को डाल दूंगी। तेल का अच्छे से गर्म होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और मैं फिश को तब तक फ्राई करूंगी जब तक कि फिश अच्छी तरीके से कड़क होके फ्राई नहीं हो जाता। तो इस तरीके से फिश को मैंने दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लिया है, इससे ज्यादा इसे फ्राई नहीं करना। तो अब आगे की रेसिपी के लिए इधर मैंने ले लिया एक बड़ा आलू। आलू को मैंने लंबाई में काट लिया है। अब आगे के स्टेप में मैं उसी सेम कढ़ाई में काली जीरा और सादा जीरा दोनों डाल दूंगी। काली जीरा और सादी जीरा दोनों को मैंने बस थोड़ा सा फ्राई किया है, उसके बाद मैंने उसमें जो मैंने आलू काट के रखा था उसको डाल दिया। अब उसी सेम ऑयल में मैंने आलू को डाल दिया है और आलू को मैं थोड़ा सा फ्राई करूंगी, ज्यादा फ्राई मैं आलू को नहीं करूंगी। देखिए आलू को मैंने इस तरीके से फ्राई किया है, ज्यादा ना कड़ा करा है ना ज्यादा सॉफ्ट है। अब फिश का मसाला बनाने के लिए मैंने एक कटोरी में 1 टेबलस्पून के करीब जीरा ले लिया है और थोड़ा सा राधुनी ले लिया है। और इसमें मैंने 4 सूखे लाल मिर्च डाल दिए और थोड़ा सा पानी में इनको भिगो दिया। अब मैं मसाले का पानी झड़ा लूंगी। मसाले के पानी झड़ाने के लिए उसे मैंने एक छलने में डाल के उसका सारा पानी झड़ा लिया। क्या करूंगी ना, जिस मसाले को मैंने पानी झड़ा के रखा था ना, उसको सिलबट्टे में डाल के उसको पीस लूंगी। आप चाहें तो मिक्सी में भी कर सकते हैं, लेकिन मिक्सी में अगर आप मसाले को पीसते हो ना तो उसका वो ऑथेंटिक टेस्ट नहीं आता है। और ये इसी तरीके से बनाया जाता है बंगाली फैमिलीज में, तो दैट्स वाई मैं इसको इस तरीके से बना रही हूँ। ये देखिए मसाले को मैंने इस तरीके से एकदम फाइन पेस्ट बना लिया है। तो अब मैंने इधर आधा टमाटर ले लिया है, टमाटर को मैं ग्रेट कर लूंगी। तो अब जिस ऑयल में मैंने आलू और फिश को फ्राई करा था उसी सेम ऑयल में मैं मसाले को डाल दूंगी और उसके साथ टमाटर को भी। मसाले में प्याज और लहसुन तो है नहीं ना, तो इसीलिए ना मैं बस मसाले को 1 मिनट तक पकाऊंगी और फिर उसमें अपने स्वाद अनुसार नमक डाल दूंगी और थोड़ा सा हल्दी पाउडर। अब सारी चीजों को अच्छी तरीके से मिक्स करके जो मैंने आलू को फ्राई करके रखा था उसको इसमें डाल दूंगी। फिर आलू को मसाले के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लूंगी और फिर जितना ग्रेवी आपको रखना है उस हिसाब से आप इसमें पानी डाल देना और तब तक पकाना जब तक कि इसमें अच्छे से उबाल ना आ जाए। ग्रेवी में अब थोड़ा थोड़ा उबाल आने लग गया है। मैं क्या करूंगी ना, जो मैंने फिश को फ्राई करके रखा था उसको इसमें डाल दूंगी और फिश के साथ ग्रेवी को तब तक पकाऊंगी जब तक कि ग्रेवी में अच्छे से उबाल ना आ जाए। ये देखिए ग्रेवी में बहुत ही अच्छी तरीके से उबाल आने लग गया है। ग्रेवी हमारी बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसे एक बोल में डाल के सर्व करूंगी। बस रेडी है हमारी आज की रेसिपी। आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और नेक्स्ट आपको किस चीज की रेसिपी चाहिए वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं फिर मिलूंगी आपको एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।